Kuch istara. hi everyone welcome to the third episode of alumni speaks memory trends and music and we have two shining stars of jlu who are an inspiration for all of us around here and this is vivek yes hello hello my name is vivek singh and hi everyone i am ankita dubey yeah so guys can you just give a brief introduction about yourself you could. सो मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं इसी कॉलेज से हूँ बी ए जे एम सी बी जे एम सी मैंने यहाँ से किया हुआ है और दो साल हो गए मुझे बट अभी मेरा आना जाना यहाँ पे लगा रहता है और बाकी मैं पैन uh, इंडिया हम लोग शोज़ करते हैं आई हैव अ बैंड कॉल जुबान एंड एक्स यू बी एन जुबान एंड मेरे अभी औरिजिनल भी कुछ आए हैं अभी फिफ्थ हमारा uh, एक लास्ट ओरिजिनल परिंदा आया है सो यस दैट इज़ ऑल Uh, i have just completed uh, llb from jlu school of law and i am currently doing my masters as well as i am working on uh, my album and i have recently released uh, my first original the song name is uh, parinda and that has been uh, released on every major streaming uh, streaming platforms as well as youtube and uh, currently i am working on my album and hopefully it goes well

सो so, uh, एक कॉलेज इसी कॉलेज शो में एक बार एक सिंगर नहीं आ पाया था सो so वहाँ पे मुझे uh, मैं uh, एंकरिंग कर रहा था वहाँ पे और फिर वहाँ पे मैंने गाया वो गाना और वो गाना बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया तो मैंने सोचा कि चलो उसको कवर करके डाल देते हैं यूट्यूब पे ऐसे बेसिकली हम लोगों ने डाल दिया उसे एंड गॉट आई थिंक टेन मिलियन व्यूज इन बहुत जल्दी उसको मिल गए थे सो वहाँ से लगा कि वहाँ से शोज भी फिर चालू हो गए सो तो इस तरीके से वो धीरे धीरे सो दैट मोमेंट फॉर यू राइट And Ankita, what about you? Uh, I'm into music uh, since I was five years old. घर पे ही काफ़ी मतलब घर पे माहौल ही काफ़ी म्यूज़िकल है माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव मैं अगर प्रैक्टिस करने नहीं जाती थी माई माई मॉम यूज़ टू जाओ प्रैक्टिस करने एंड आई यूज़ टू ना फाइंड बहाना कि कब मैं क्लास छोड़ के और uh, खेलने जाऊँ या फ्रेंड्स के साथ घूमूँ बट माय पेरेंट्स फॉर नहीं यू कैन डू इट बेटा यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ इन टू दिस सो दे हैव मोटिवेटेड मी टू डू मोर गुड इन टू म्यूज़िक एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैम That's that's great. So basically, your parents have been the most supportive about it. So uh, talking about family and friends. So how do you think your parents have supported you in this journey of music all throughout? I will be. मेरा तो सीन ये है कि मेरे जो पापा हैं वो सबसे बड़े फैन हैं मैं कह सकता हूँ मेरे मतलब क्योंकि वो मेरा गाना मैंने उन्हें देखा है कि वो कई बार ऐसे आराम से हेडफोन जो आजकल सबके बाबा हेडफोन लगा के जो प्लेट वो मैंने उन्हें देखा कि वो एक ही गाना कई बार एक बार दो बजे मैंने देखा था कि उन्होंने स्टार्ट किया और चार बजे तक सेम ही गाना सुने थे तो मुझे रोकना पड़ता है कि इतना सपोर्ट भी मुझे नहीं करो ठीक है मैं तो थोड़ा चिल बाकी लोग भी हैं सी यस मेरा तो शुरू से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है से पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ योर डिसीजन टू म्यूजिक ओके आनंद या या सेम हियर माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव एंड मुझे अगर म्यूज़िक में कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट होती है ना तो

छोटी गिक्स होती हैं हाउस गिक्स वो भी करता हूँ सो so, मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक जॉनरा नहीं है बट अभी हम लोग जो है कंटेम्प्रेरी फोक की तरफ ज़्यादा हमारा जो बैंड है वो काम कर रहा है कि आ, मतलब अपना कुछ मिट्टी से जुड़ा हुआ ही बट उसमें थोड़ा मॉडर्न तरीके से हम लोग उसको कर रहे हैं बाकी इंडी आ, कह सकते हैं आप इंडी जॉनरा कह सकते हैं बट स्पेसिफिक मैं किसी भी जॉनरा में आ, अपने आप को मतलब उसमें रख सकता है कि हाँ मैं इस जॉनरा से हूँ या इस जॉनरा को पसंद करता हूँ मैं मेटल भी सुनता हूँ मैं क्लासिकल भी सुनता हूँ मैं इंडिया क्लासिकल बहुत जो बहुत ठेट है वो भी सुनता हूँ

Sanskrit okay. love, love. It's a basically a love story which we have converted into a Sanskrit language, which we will release uh, soon, maybe uh, Jan to 2022. Okay. That's interesting Sanskrit idiom. It's it's quite a new concept. Uh, so like you guys, like you know, you have been a part of this JLU family. So how did your friends respond to this, and how did you handle all of this fame? सो so, फ्रेंड्स का तो नहीं कहूँगा मैं ज़्यादा लेकिन हाँ मैं जब यहाँ पे फैकल्टी अगर हम देखें दिवाकर सर हैं या अमरीत सर हैं जुगल सर हैं तो शुरू ही मैंने यहाँ से किया था कि कॉलेज की सारी जो हम लोग फैकल्टी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी शुरू से ही और जितने भी क्लासमेट्स थे वो लोग भी काफ़ी अप्रिशिएट करते थे अभी भी करते हैं इंस्टाग्राम हम लोग सब कनेक्टेड हैं आपस में और अच्छा लगता है कि बस वो लोग वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा शुरू में करते थे उन्होंने कुछ लोगों ने मतलब ट्राई भी किया कि नॉर्मल तरीके अलग तरीके से बात करने का बट ऐसा कुछ नहीं है सब दोस्त हैं सब भाई लोग हैं हम लोग सब वैसे ही बात करते हैं और बाकी जो टीचर्स हैं उनसे भी उसी लहजे में बात होती है आज भी जिस तरीके से तो पहले होती थी अबाउट okay. यू uh, से uh, मैं कहूँगी कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है फैकल्टीज से भी और उतना ही फ्रेंड से भी फैकल्टीज इज़ यूज टू वेरी सपोर्टिव अंकिता तुम प्रैक्टिस पे ध्यान दो बेटा मतलब दे यूज़ टू टेल मी दिस इन द एंड ऑफ द क्लास ऑलवेज एंड दे यूज़ टू सपोर्ट मी सो वेल दे यूज टू गिव मी सजेशंस रिगार्डिंग डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस नैन आई एम वेरी थैंकफुल टू जे एल एंड फ्रेंड्स का तो मैं अभी भी बोलूँगी कि अभी भी हम नहीं हैं साथ में बट देन टू दे कीप शेयरिंग माई कॉन्टेंट एंड दे कीप गिविंग मी वेरी पॉजिटिव you are doing such great thing, please uh, move ahead with this only, don't go, you don't go for law, you, you, are, uh, uh, you are only for music, and then you should follow your passion though, feeling so, so you have been a law student, so basically you are a lawyer, so not, you have just left that career as it is and you pursued music, you have given 5 years to law, so if at all it was not for music, would you have been a lawyer? Corporate lawyer. Corporate I was, lawyer. Plan, huh. and the thing is, uh, I am continuing my studies. I am currently uh, pursuing my master's LLM. And uh, it was in my mind that study will be alongside my music. I'll not stop it, it will go uh, hand in hand. But yeah, I am giving more time into music because it's my passion.

जो मुझे इतना टच करता है कि हाँ मैं इसके बारे में दिन रात सोच सकता हूँ जैसे कल ही मैं तलखियाँ पढ़ रहा था हमारे मतलब एक राइटर हैं बहुत अच्छा उनकी उनकी किताब पढ़ रहा था तो मुझे वो चीज़ें मैं उसके बाद मैंने उसी को कुछ कंपोज करने का ट्राई किया तो मुझे एक सेकेंड के लिए भी बोर नहीं लगा या मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार चलो कुछ और कर लेते हैं या लेस, लेस, मैं फ़ोन देख लेता हूँ कुछ सो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे ज़्यादा कुछ अच्छा और इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाता सो यस दिस इज दी ओनली पैशन आई हैजीन योर इंस्परेशन म्यूजिक किसी एक को तो नहीं कह सकते बट हाँ किशोर कुमार साहब को मैं बहुत ज़्यादा अपना वो मानता हूँ क्योंकि उन्होंने जिस तरह का हर तरह का जमनाना उन्होंने जाकर जो वर्सिटैलिटी जो जिससे हम कहते हैं कि जैसे आज के टाइम में अरजीत सिंह कर रहे हैं या मैं उन्हें बहुत उस तरीके से देखता हूँ कि अगर आप उनका किसी भी तरह का गाना सुन लें अगर आप चला जाता हूँ सुन लें तो आपको उतनी मस्ती उसमें सुनाई देती है या अगर आप भीगी भीगी सुन लें तो आपको एक यू नो एक पेन एक ब्रेकअप का पेन समझ में आता है कि अच्छा इस उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है सो वो जो और फिलासफिकल गाना ज़िंदगी के सफ़र में सुन लें तो आप किसी भी तरह का गाना सुन लें आपको समझ में आता है कि हाँ ये हर तरह के गाने उस तरीके से गाते हैं जिस तरीके से वो गाना होना चाहिए सो यस किशोर कुमार एक मैं कह सकता हूँ और अभी अगर हम uh, वेस्टर्न तरफ जाएँ तो मुझे कोल्ड प्ले बहुत ज़्यादा पसंद हैिटी इज़ वेरी बोल वेरीट दैट इज़ वाई यू आर बिग फैन ऑफ किशोर द एंड वॉट अबाउट यू अंकिता माई आइडियल इज़ सुनिधि चौहान मुझे उनकी सिंगिंग उनकी वर्सिटैलिटी काफ़ी पसंद है okay. yes. एंड आई आई एडमायर हर अलॉट अलॉट मतलब मैं अभी भी कुछ सिंगिंग अगर करती हूँ देन आई यूज़ टू सी क्या टेक्निक है क्या वाइब्स उनसे आती हैं आई यूज़ टू टेक दैट मतलब अगर मैं प्रैक्टिस मैं जिस टाइम पर रियाज नहीं करती हूँ आई यूज टू लिसन हर सॉन्ग्स या शी इज़ माई वन ऑफ माई आइडल एंड सेकेंड इज़ आशा भोसले जी

टू आवर्स इन द मॉर्निंग एंड टू आवर्स इन द इवनिंग दैन उसके बाद आईयू मैं अपने सॉन्ग्स पर जो काम कर रही हूँ उस पर काम करती हूँ या कुछ अगर उस बाकी टाइम में कुछ सॉन्ग राइटिंग का काम हुआ वो किया कुछ कंपोज किया वो किया कुछ अगर रिकॉर्ड करना है तो उस पर मतलब पूरा ट्वेंटी फोर आवर्स ना मेरा म्यूज़िक में ही जाता है पूरा पूरा पूरा, पूरा। या तो सॉन्ग कंपोज करना या तो जो एल्बम पर काम कर रहा है वो करना बाकी रियाज करना वॉट अबाउट uh, मैं एक से डेढ़ साल पहले बहुत रियाज़ करता था लाइक सुबह दो घंटे शाम को दो घंटे हमेशा मतलब रियाज का ही दिमाग में आता था मेरे बट फिर शोज़ वगैरह से चालू हो गए सो तो अभी एक से दो घंटे मैं करता हूँ क्योंकि अब अगर सुबह की फ्लाइट है आपकी या सुबह अगर कहीं आप हो एग्ज़ाम्पल के गोवा में हो बाकी सब आपके साथ आए तो म्यूजिशियन और उनके सामने आप अगर तानपुरा लगाओगे सो डेफिनेटली दे विल नॉट लाइक इट बट हाँ मैं ट्राई करता हूँ अभी मैं घर पर हूँ काफ़ी दिनों से अभी एक हफ्ते से मैं घर पर हूँ तो मैं रोज डेली रियाज करने का ट्राई करता हूँ बात ना करें तो मैं पहला तो हमारे कॉलेज में ही हुआ था और सब ने बहुत अप्रिशिएट किया था वो चांद से मैं हुआ एक गाना था जो सब लोगों ने बहुत पसंद किया लड़कियों ने लड़कों ने मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये कवर कर सकते हो या इसको तुम डाल सकते हो YouTube. पे सो मैंने वो डाल जैसे मैंने आपको बताया उस गाने के बारे में बाकी मेरा पहला कॉलेज कॉन्सर्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सो uh, so, मैं यूज़ तो नहीं था इन चीज़ों का इन गाना एकदम से हिट हुआ था सो so, बारह से तेरह बाउंसर मुझे दे दिए गए थे और मैं अब वो मुझे ऐसे पकड़ के ले जा रहे हैं तो मैंने कह रहा हूँ कि ठीक है मतलब कोई कुछ नहीं करेगा आप इतना मत परेशान होइए बट फिर हुआ कि दो तीन लड़के ऐसे कूदे तो फिर मुझे समझ में आया कि इसका क्या मतलब होता है बट हाँ uh, कभी ये चीज़ें ऐसे सर पे नहीं चढ़ती हैं कभी ऐसा क्योंकि अभी पता है कि म्यूज़िक कितना बड़ा है और हम लोग कितना जानते हैं उसके बारे में कितना जानना रह गया है सो यस बट मज़ा आता है कि हाँ अगर आपने मेहनत की और अगर आप लोगों को uh, दस से बारह हज़ार लोग अगर आपको सुन रहे हैं आपके सामने खड़े होकर कॉलेज कॉन्सर्ट में तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है और जो प्राइवेट वेडिंग वेडिंग गिक्स होती हैं या प्राइवेट गिक्स होती हैं उसमें भी कई बार थोड़ा सा मन थोड़ा सा कई बार ख़राब होता है शुरू में क्योंकि शुरू में लोग नहीं सुनते हैं कॉरपोरेट शोज़ में बट फिर धीरे धीरे आप माहौल बनाओ तो इट विल मतलब उसमें भी पूरा कॉन्सर्ट जैसा ही फील आता है सो यस 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 लाइव शोज़ मैंने बहुत किए हैं बट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस वॉज वेन आई शेयर द स्टेज विथ सिंगर शान इन द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन एक ऑडिशन हुआ था एंड उसमें मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी बस मैंने सोचा चल चलो चलते हैं कॉलेज ऑफ था नहीं तो मैं नहीं जा पाती क्योंकि उस दिन मेरा प्रजेंटेशन था कॉलेज में सो आई आई प्रपेर एक सॉन्ग प्रिपेयर किया और वहाँ पर पहुँच गई फर्स्ट राउंड गॉड क्लियर देन ऑन अदर थ्री राउंड्स उन्होंने अपने कम्पोज सॉन्ग्स दिए देट यू हैव टू प्रिपेयर दिस सॉन्ग इन फाइव मिनट्स एंड यू हैव टू परफॉर्म विद म्यूजिशंस विद इन फाइव मिनट्स आई हैव टू प्रिपेयर देर सॉन्ग्स एंड मुझे फाइव मिनट्स के अंदर परफॉर्म करना था एंड लकली वो टॉप तो फाइव कंटेस्टेंट जो थे जिन्हें स्टेज शेयर करना था उसमें मैं भी थी और मैंने उनके साथ स्टेज शेयर किया था so, <laughs> ट वॉज स्पीचलेस आई वॉज स्पीचलेस जब मैं स्टेज पे गई उनके साथ आई वॉज जस्ट स्पीचलेस मेरे पास वर्ड्स नहीं थे उस समय मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी मतलब ऐसा लग रहा था कल दिन ये मैंने एडवर्टीजमेंट देखा था ऑडिशन का और दूसरे दिन मैं स्टेज पे हूँ उनके साथ दैट्स दैट्स सो नाइस बट एज पीपल से दैट यू नो सक्सेशन गेट टू योर हैड सो व एनी मोमेंट्स दैट यू रिमेंबर where you actually felt you know you were cloud 9 and like you know there's no looking back from there but you anything that you'd like to share Uh, मेरा ऐसा है कि मेरा शुरू से ही इस तरह का मैं इसी तरह के प्रोफेशन में रहा हूँ जैसे मैंने मास कम्युनिकेशन हुआ या uh, जब मैं स्कूल में भी था तो मैं डांस वगैरह करता था तो हम जिस तरह जिस शहर से मैं आता हूँ वहाँ डांस बहुत बड़ी चीज़ तो मेरे शहर में उस तरह का नाम था कि अच्छा एक बंदा है जो डांस करता है सो so, वो वो जो छोटा सा फेम था वो मेरे दिमाग में शुरू से ही है कि हाँ लोग थोड़ा बहुत जानते हैं सो so, इसलिए मुझे ये एकदम से नहीं लगा है ना ऐसा लगेगा भी नहीं क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यू नो फ्लाइट है या फिर मैं इंटरनेशनल जा रहा हूँ मैं जहाँ से आता हूँ बहुत छोटा शहर इस कॉल सी आ, ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है तो वहाँ का एक लड़का अगर आके कुछ भी कर रहा है तो उसके सर पे चढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको पता है कि वो कहाँ से आया है और उसके जो आसपास के जो दोस्त हैं जो पुराने मेरे दोस्त हैं वो अभी क्या कर रहे हैं कहाँ पे हैं सो मुझे ये चीज़ कभी लगती नहीं कि हाँ ये चीज़ सर पर आएगी बट अगर सबके कभी ना कभी तो आती है बट हाँ नहीं आए तो अच्छा है मतलब ऊपर वाला चाहेगी ना ही आए वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे कभी लगाओ कि मुझे ऐसा घमंड जिसे कहते हैं या अहम जिसे कहते हैं ऐसा कुछ मुझे अब तक ऐसा फील नहीं हुआ या सेम ईयर कभी भी uh, मैंने माइंडसेट सेट यह रखा ही नहीं था कि अगर मुझे थोड़ा भी फ़ेम मिलेगा तो मैं थोड़े एटीट्यूड में आ जाऊँगी नहीं मैं तो इतना अच्छा गाती हूँ अरे तुम कौन हो मतलब बिल्कुल नहीं था हमेशा से ना रूटेड और घर पे भी uh, ये चीज़ ना मुझे अभी भी बोली जाती है कि बेटा यू हैव टू बी रूटेड आप अगर जिस दिन आप में थोड़ा भी एटीट्यूड uh, आया अहम आया या फेम का आप बोलते ना फेम की थोड़ी सी भी भूख अगर चढ़ गई ना उस दिन तुम भूल जाना कि तुम एक आर्टिस्ट हो उस दिन तुम एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट खो दोगी क्योंकि अगर आर्टिस्ट ऐसा बिहेव कर रहा है अगर वो ऐसा अहम ला रहा है ऐसा एटीट्यूड ला रहा है तो वो आर्टिस्ट नहीं है फिर वो ऑफ योर डाउनफॉल बेसिकली ही और शी शुड बी रूटेड उसको रूटेड होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में तभी वो बहुत 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 ग्रो कर सकता है But बट अगर आप रूटेड कई बार सोचते हैं कि दब भी जाते हैं तो फिर अभी जिस का चल रहा है जिस की लोग अहम भी जरूरी है मतलब हल्का फुल्का एक होना चाहिए हाँ मतलब आराम से राइट काइंड okay, so, <laughs>

तो एक बार हम लोग जैम करते थे बहुत ज़्यादा तो मेरे जो दो गिटारिस्ट थे वो अपने आप को मतलब प्रॉपर स्टार समझते थे अभी तो मेरी बात नहीं होती उनसे तो वो क्या करते थे कि जैसे अगर हम लोग प्ले कर रहे हैं और अगर कोई आ गया तो वो उस तरीके से मैं मेरा ये था कि शुरू से कि कॉलेज में कुछ ऐसा जैसा अभी माहौल है वैसा कि हम लोग कुछ कुछ करें या फिर कुछ हम लोग बैठें जैम करें या थिएटर करें मतलब जैसा आर्ट कॉलेज होता है बट ये लोगों का था कि थोड़ा नहीं हम लोग अगर जैम करेंगे तो अकेले रहेंगे या जिस भी जब वेस्टर्न वो कल्चर फॉलो कर रहे थे मुझे मेरे को एक जैम की तरह मैं लेना चाह रहा था उसको तो वो हमेशा होता था एक बार एक लेक्चर चल रहा था स्वाति मैम का था वो अब नहीं है हमारे कॉलेज में भी बट वो वहाँ से पढ़ा रही हैं और मैं यहाँ से एक एक आ, मतलब तान ले रहा था तो वो पूरी क्लास मुझे आवाज आवाज आती थी, थी कि क्लास तो बोला बहुत, बहुत, तो तो तो, बट यस वो वो भी हंसती हैं इस बात पे कि क्योंकि वो बहुत फनी था वहाँ पे बहुत ऐसे बहुत सारे थे मतलब हम लोग जब भी जैम करते थे कुछ ना कुछ तो होता ही था या कोई नया बच्चा आ जाएगा या कोई दिवाकर सर हाँ दिवाकर सर ने मैं मैं उनसे बोलता था कि सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिंगिंग ही कर लेता हूँ तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो वो मुझे बुलाते थे लंबे लंबे सेशन आप लोग जानते हैं सर को कि बोलते थे कि देखो इसमें कुछ नहीं है और उस जिस तरह का उस समय मैं गाता था वो बहुत सही बोलते थे मुझे उन्होंने मुझे वो दो तीन जगह और देखा भी था जानुमा या यहाँ पर भी तो उन्होंने कहा कि थोड़ा और भी चीज़ें देखते रहो और उन्होंने मैंने उनसे कहा था कि आ, सर रुक जाइए मुझे आप दो साल दीजिए ना आई विल मैं ऐसा कुछ फ़नी नहीं था वैसे वो हमेशा से सपोर्टिव ही रहे ऐसा कुछ ऐसा खास इनसे फ़नी मोमेंट तो नहीं है दिवाकर सर से मेरे साथ कुछ सच बहुत फनी मोमेंट्स तो नहीं है कॉलेज में मेरे साथ दो प्रॉब्लम थी पहला जब अटेंडेंस का यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए थे ना एंड आई यूज टू बी ऑलवेज़ लेट फर्स्ट लेक्चर में तो कभी मैं टाइम पे नहीं आती थी और उसके बाद आई यूज टू गो टू तो स्टाफ फ्राम रिक्वेस्ट फैकल्टीज़ प्लीज़ अटेंडेंस दे दीजिए क्योंकि मैं कॉलेज रेगुलर भी नहीं आती थी बिकॉज आई वॉज बिजी इन टू माई क्लासेस एंड माई वर्क तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी दूसरा पार्किंग का इशू था कि जब भी या तो आईडी कार्ड या तो पार्किंग पास देन आई हैव टू रिक्वेस्ट गार्ड गार्ड भैया भैया प्लीज आज जाने दो तो कल लेकर आऊंगी पहले तो डांटते थे दिन हाँ बेटा कल से लेकर आना और लास्ट लास्ट में उनकी ऐसी आदत हो गई थी ना कि वो वो हंस देते थे और गेट खोल देते थे दीज आर वेरी लिटिल लिटिल मोमेंट्स फ्राम स्टूडेंट्स लाइफ यू नो विच देस रिमेंबर विच स्टेज विद लाइफ and they cherish it so uh, like talking about music and music industry so how do you think internet has impacted this music industry uh, post covid it's a post covid, post -COVID. ha the covid ke jo jo waqt tha to usme to bahut help mili artists ko sab log ghar pe the और कुछ भी नहीं था करने को शोज भी नहीं थे तो हम लोग ने बहुत सारे गाने बनाए हमारे बैंड ने बहुत सारे गाने बनाए बट पोस्ट कोविड अभी मुझे लगता है कि लाइव शोज भी चालू हो गए हैं वापस से बट कहीं ना कहीं ऑनलाइन अगर पोस्ट कोविड या प्री कोविड की भी बात करें या फिर हम एक जनरल सेंस में बात करें तो पहले लाइन में लगना पड़ता था या पहले आपको इंडियन आइडल इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे जाना होता था और आपको वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाना होता था उसमें भी दस हज़ार लोगों में से वो लोग भी कुछ लोगों को चुन पाते हैं या किसी भी एक्स वाई जी प्लेटफॉर्म की बात करें बट अभी यूट्यूब ने ये कर दिया है कि अगर आप अगर आप में हैं आप सक्षम में और अगर आप अच्छा गाते हैं तो आपकी रीच अगर आपने एक या दो गानों में आपकी रीच अच्छी हुई तो आपका एक पर्टिकुलर ऑडियंस बन जाता है जो आपको उस तरीके से सपोर्ट करता है ये पहले नहीं था कि पहले आपको प्रॉपर एक लाइक दो चार अच्छा खासा पैसा खर्च करके और अच्छे बड़े वीडियोस बना के आप सीडीज़ में अब वो सबके बस का नहीं था बट यूट्यूब ने आके इतना ईजी कर दिया सब कुछ अगर आप थोड़ा भी अगर एकॉस्टिक भी अगर आप डालते हैं और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोग देख लेंगे और अगर देख लेते हैं तो फिर आप वायरल हो सकते हो और कहीं ना कहीं खराब भी है जैसे विंजय पूजा और ये सब लोग जो आ गए बट यस यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को दिया है जैसे हम लोग हैं जो किसी लेबल से कनेक्टेड नहीं है

आई लव सलीम सुलेमान म्यूज़िक तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अभी रिसेंटली ना दे आर पिकिंग बडिंग आर्टिस्ट अभी उन्होंने दो uh, कुछ इंडी आर्टिस्ट की सॉन्ग्स खुद अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च की और वो कैसे दे यूज़ टू डू लाइव सेशंस रैंडम लाइव सेशन कभी रात में आ गए कभी शाम में आ गए उसमें मैं दोनों लाइव सेशन में थी जिसमें उन्होंने सिंगर को सेलेक्ट किया था तो एक प, एक बंदा आया था एंड uh, uh, उसने अपना ओन कंपोजिशन उनको सुनाया ऑन ऑन द स्पॉट उन्होंने बोला कि विद इन वन वीक यू हैव टू कम टू माई स्टूडियो विल रिकॉर्ड इट विल डू द इंटायर शूट वीडियो एंड वी विल रिलीज़ ऑन आर चैनल एज वेल एज ऑन ऑल मेजर स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और भी मैं अभी देख रही हूँ कि कुछ जैसे पोस्ट कोविड जो आर्टिस्ट अपने सॉन्ग्स वगैरह सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं तो अच्छे बड़े बड़े लेजेंडरी सिंगर्स भी उनके सॉन्ग्स को शेयर कर रहे हैं तो और आज आज की डेट में ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बहुत बहुत ही मतलब सपोर्ट मिल रहा है दैट इज़ गुड क्योंकि अब सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग ऑप्शन नहीं है अब एक इंडी आर्टिस्ट का भी ऑप्शन आ गया है जो कि एक आर्टिस्ट को ना बहुत मतलब ऐसा वास्ट वो दे रहा ऑप्शंस कि की हाँ मैं ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पोस्ट कोविड कुछ तो अच्छा हुआ इस फील्ड में डेफिनेटली आई मीन म्यूजिक इज़ अ वेरी वेरी डाइवर्स Uh, word and like you know, uh, but that follows a lot of uh, different genres and different kind of streams mm -hmm. with that, and it has given a platform to all the musicians, you know, all the singers, songwriters, and it's just uh, not about one singer; it's about the songwriter, composer. So, what advice do you have for the budding singers? Vivek? Uh, I to say that you are good, बट आप ट्राई कीजिए कि अगर जैसे कि गिटार एक आज कोई भी अगर सिंगर है अगर सिंगर की बात करें स्पेसिफिक वोकलिस्ट की बात करें तो एक इंस्ट्रूमेंट एक एकस्टिंग इंस्ट्रूमेंट उनको आना चाहिए बिकॉज जब भी कुछ हम कंपोजीन करते हैं या हम कुछ भी बजाते हैं तो अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं हमें नहीं आता है तो आप अटक सकते हैं जैसे मैं पहले बहुत अटकता था जब मुझे गिटार नहीं आता था कि मेरे दिमाग में कंपोजीशन तो जाती थी बट प्रॉब्लम होता था कि अब उसको आगे कैसे बढ़ाना है या क्या स्केल लग रहे हैं उस पर इस तरीके से बहुत आ, आ, पर लेकिन हाँ अगर आप एक सिंगर हैं या अगर आप हो गए आप म्यूजिशियन भी हैं तो आप ट्राई कीजिए कि खुद के गाने आप कंपोज कर सकें जैसा भी होगा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा वो लोग आपको बताएंगे कितना अच्छा है कितना बुरा बट आप ट्राई कीजिए कि आप किसी का कवर ना करके और ख़ासकर मेरा एक एडवाइज़ होगी कि आप किसी भी सिंगर को फॉलो ना करें एज इन की यातिफ़ अस्लम या अरजीत सिंह जैसा गा रहे हैं जैसे जब ये अरजीत सिंह आए हैं तो लोग स्लीपी वॉइस में गाने लगे लगे करके थोड़ा गाने लगे ये वो जो हम आतिफ करते हैं मैंने बहुत सिंगर देखे हैं खासकर हमारे भोपाल के जो आतिफ़ का स्टाइल बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं तो किसी की परछाई बनने का कोई फायदा नहीं है अपना पहचान आप खुद बनाइए अच्छी बुरी आवाज़ को आपको धीरे धीरे खुद जनता बताएगी कि कितना क्या नहीं है अच्छा है या बुरा मैं आप ट्राई कीजिए कि किसी को ज़्यादा फॉलो ना करें yes. एक यूनिकनेस ही होनी चाहिए हर आर्टिस्ट के अंदर मैं तीन चीज़ें बोलना चाहूँगी बडिंग आर्टिस्ट को पहला चूज अ गुड गुरु आप एक बहुत अगर आप फील्ड में जाना चाहते हो तो आप एक अच्छा मैंटोर चूज़ करो अगर आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हो तो मैंटोर की बहुत नीड पड़ेगी आप एक अच्छा मैंटोर यूज़ करो सेकंड बी कंसिस्टेंट विथ योर रियाज़ और प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे म्यूज़िक करना है मैं गॉड गफ्टेड वॉइस है तो मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ तो हाँ मैं बिना प्रैक्टिस के बहुत अच्छा गाऊंगी मैं एकदम तो रॉक कर दूंगी नहीं यू हैव टू डू प्रैक्टिस हार्ड वर्क जरूरी है इस, इस फील्ड में एंड तीसरा एज विवेक सेड आई कंप्लीटली अग्री कॉपी मत करो आप बिल्कुल मत कॉपी करो और मैं मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूँगी अगर जैसे जो भी फीमेल सिंगर हैं जो भी जो बडिंग आर्टिस्ट हैं लड़कियाँ हैं यू ट्राई टू लिसन मेल सॉन्ग ज़्यादा ताकि आप किसी फीमेल वॉइस को ना बहुत कॉपी ना करो क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ कि अजीत सिंह श्रेया घोषाल और पलक मुछल इनकी वॉयस को ना बहुत बहुत आर्टिस्ट अभी कॉपी कर रहे हैं तो आप ना डिफरेंट जैसे आप मेल सॉन्ग सुनो लड़के फीमेल सॉन्ग सुनो आपका जो फेवरेट सॉन्ग है आप जो आर्टिस्ट को फॉलो करो बिल्कुल डेफिनेटली फॉलो करो बट थोड़े थोड़े टाइम जो आपको मिल रहा है ना उसमें आप दूसरे आर्टिस्ट को सुनोगे ना तो वो कॉपी करने की हैबिट जो है वो आपके इस माइंड से बिल्कुल निकल जाएगी क्योंकि एक बार अगर वो कॉपी की हैबिट निकल घुस गई आपके अंदर तो वो चाहे कितना भी अच्छा मैंटोरन हो बहुत कोशिश करेगा बट वो कॉपी की हैबिट ना जल्दी निकल नहीं पाएगी तो तीन चीज़ बहुत मस्ट uh, है कोई भी बडिंग आर्टिस्ट डेफिनेटली आइटफुली सो बिकॉज वंस यू स्टार्ट कॉपिंग इट बिकम्स यू नो इट बिकम्स कम्फर्टेबल देन यू डोंट यूज़ योर ओन क्रिएटिविटी टू Uh, you know uh, invent things and figure out uh, your own way so like you guys have like a huge fan following on your social media right so what kind of questions people you know they message you they ask you uh, related to singing career and of course like there are parents who doesn't support this like you know uh, music as a career option so what advice do you have for people like you know to actually pursue career as like you know music as their career. Like what, what would you say to them? As in joke career. As in, like you know they are getting a lot of uh, uh, like you know parents are not supportive, friends are not supportive, and ideally music is something which is related to if you have luck, if you have luck, or if you have some kind of source in the industry. So what would you say to them? आ, ये एक्चुअली सोर्स वाला जो था वो थोड़ा सा पहले होता था अभी जब से यूट्यूब या, या इंस्टाग्राम रील्स अगर आप रील्स का भी आप देखें तो रील्स में आपको एक भी रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर आप रेगुलर रील्स डालते हैं तो उसका रीच अपने आप इंस्टाग्राम खुद ही दे रहा है बना के जैसे उसने शुरू में आई जी का किया था एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको बाकी अगर हाँ कि आपके पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और अगर आपके फ्रेंड भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो एक बार आप फिर से सोच लीजिए अगर आप सुन लीजिए अपने आप को कि शायद वो हो सकता है वो सही भी हो सॉरी uh, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है आप लोग सुन सकते हैं खुद को आप खुद को बार बार रिकॉर्ड करिए और देखिए कि अगर कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी और नहीं होगी अगर फिर भी आपको लगता है कॉन्फिडेंट इनफ है तो फिर आप आपको अपना डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए आज नहीं तो कल सब सब सपोर्ट करते हैं आपको मैं हमेशा से लकी रहा हूँ कि मुझे शुरू से सब ने सपोर्ट किया है मेरे घर में फैकल्टीज़ ने सब ने सपोर्ट किया है वीडियो भी मैं हमारी फैकल्टी हम लोग मैं बोलता था कि सर मेरा वीडियो बना दीजिए प्लीज़ और वो वही वीडियो मिलियंस में गए जो सारे जागरण सिटी में बने ट सो ये बट हाँ अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करा तो एक बार प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा सोच लीजिएगा yeah. uh, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एंड यू नो कि आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है यू आर गोइंग टू डू ऑल थिंग्स इन म्यूजिक आपका म्यूजिक ही बस एक ऑप्शन है तो मैं यही सजेशन दूँगी कि कुछ रोंग साइड आप मत ऑप्ट करना रॉन्ग पाथ मत ऑप्ट करो आप ना उसमें ही कुछ अच्छा करो ठीक है फर्स्ट टाइम पेरेंट्स ने देखा बोलेंगे नहीं तुम्हें तो नहीं करना है यू हैव टू परसू योर फर्दर स्टडीज तुम्हें स्टडीज़ में जाना है एकेडमिक्स में जाना है ये सब म्यूजिक में नहीं है बट अगर आप कुछ सेकेंड टाइम थर्ड टाइम अरे एक बार तो पेरेंट्स भी मानेंगे आप उनके बच्चे हो तो अगर आपने थर्ड या सेकेंड टाइम में कुछ अच्छा अचीव किया तो मेरे ख्याल से फिर पेरेंट्स ज़रूर डेफिनेटली सोचेंगे कि हाँ ये इसमें बहुत अच्छा कर रही है या कर रहा है तो हमें इसमें भेजना चाहिए तो लेकिन रॉन्ग डिसीजन मत लेना कुछ भी कि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं कहीं चला जाता हूँ क्योंकि आजकल ना बहुत बहुत सेंसिटिव हो गए हैं लोग मतलब अगर पेरेंट्स थोड़ा सा ही मना करिए तो सीधे बिल्कुल गलत चीज़ें ही आती है थोड़ा वो चीज़ पे आप कुछ दिखाओ पेरेंट्स को कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ तो वो ज़रूर सोचेंगे अगर वो देख रहे हैं कि आप पूरा आप पूरे आपने पूरा ध्यान और मन अपने आर्ट पर लगाया हुआ है तो वो ठीक है एक साल दो साल तीन साल तब तो देखेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा कर रहा है तो दे विल सपोर्ट यू एंड दिस कमिंग फ्रॉम अ लॉ स्टूडेंट So who has given five years <laughs> and finally pursued her passion for music? But I'm sure you don't regret pursuing log no. because that is something that you have done. I'm sure your parents wanted to see you as a lawyer, but music is something that you always had your heart in. Supported me, for music also. like I that when my guru जब मैं छोटी थी तो आई यूज टू ना फाइंड कि कुछ भी मुझे मिल जाए ऑप्शन ऐसा कि मैं ना क्लास उस दिन स्किप कर दूँ बट माई मॉम वॉज नहीं बेटा यू हैव प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस से ही आप बहुत मतलब मैं पाँच साल की थी तभी मेरे पापा मेरे लिए खुद हारमोनियम लेकर आए थे कि बेटा लो आप खुद रियाज करो मुझे नहीं बोलना पड़ा था तो डूरिंग माई लॉ टाइम भी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी यहाँ से तब भी देवर वेरी सपोर्टिव मैं स्टडीज़ पे भी बैलेंस थोड़ा सा मुझे कभी कभी बहुत हैप्टिक हो जाता जब एग्जाम्स चलते थे और उसी समय या तो कोई रिकॉर्डिंग आ गई या तो फिर कुछ किसी चीज़ पे काम चल रहा है बट वो मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था बट देन टू उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है मुझे और वो आगे भी कर रहे हैं तो एम वेरी थैंकफुल कि वो इतने सपोर्टिव हैं सो so, uh... आप दोनों का एक एक कॉम्पोजिशन आई वुड लाइक टू हियर सो लेट्स स्टार्ट विथ यू फर्स्ट माई ओन कॉम्पोजिशन लाइक ओन कॉम्पोजिशन एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग सो इफ यू डोंट माइंड आई कैन गो फॉर एनी बॉलीवुड सॉन्ग वॉट अ ग्रेट एंडिंग टू दिस शो चल जरा क्यों तो देखे अपना तो मिलना नहीं और ये अभी रिलीज हुआ है थोड़े दिन पहले इसका एक छोटा सा मैं आपको अंतरे से सुनाता हूं इस बारे देखो

Song, and you have such a soothing voice. And, guys, I hope you enjoyed our uh, third episode. And thank you, guys, so thank much, so much. Uh, for this melodious evening. And you guys stay tuned for more. Uh, see you next week.